दोस्तों, आप लोगों ने कई ऐसे बड़े बड़े व्हीकल्स को देखा होगा जिन्हें देखकर दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि इन्हें बनाने वालों ने इन्हें कैसे बनाया होगा और क्यों बनाया होगा। फिर भी आप दुनिया के कुछ सबसे बड़े व्हीकल्स के बारे में शायद ही जानते हो, तो आज हम आपसे दुनिया के 10 सबसे बड़े व्हीकल्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाओगे, क्योंकि जितना बड़ा इनका साइज है उतने ही बड़े इनसे काम लिए जाते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल अननोन फैक्ट हिंदी को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दो। सो लेट्स बिगिन। नासा ट्रॉलर ट्रांसपोर्टर। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी चीज के बारे में सुना है जो बड़े बड़े स्पेस शटल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं? ये है नासा ट्रॉलर ट्रांसपोर्टर। इसका इस्तेमाल 1960 से नासा के द्वारा स्पेसक्राफ्ट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए किया जा रहा है, और इनका मुख्य काम रॉकेट शटल्स और दूसरी तरह की स्पेसक्राफ्ट को उसकी असेंबलिंग बिल्डिंग से लॉन्च पैड तक ले जाना होता है। एक बार इन शटल्स को लॉन्च पैड तक पहुंचाने के बाद ये ट्रांसपोर्टर वापस असेंबली बिल्डिंग में आ जाता है, जिससे लॉन्चिंग प्रक्रिया में कोई बाधा ना हो। ये क्रॉलर 130 फीट लंबे और 114 फीट चौड़े होते हैं, जिनका कुल वजन 3000 टन होता है। इस जायंट व्हीकल की खास बात ये है कि ये क्रॉलर सेल्फ ड्राइवन होते हैं, मतलब इसे चलाने के लिए किसी भी तरह के ड्राइवर की जरूरत नहीं होती, और ये दुनिया का सबसे बड़ा खुद से चलने वाला वाहन है। हालांकि इससे बड़े बड़े और भी वाहन पाए जाते हैं, लेकिन उनको ऑपरेट करने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है। दोस्तों, ये क्रॉलर कितना ज्यादा एडवांस है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज में भी दिखाया गया है, जैसे अपोलो 13, ट्रांसफॉर्मर, डार्क ऑफ द मून, यहाँ तक कि वीडियो गेम्स में भी इसे दिखाया गया है, जैसे फॉलआउट 3 में। पेंजर 8 मॉस। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजियों को इसे बनाने का आइडिया आया था, और इसने उनकी इस जंग में काफी मदद भी की थी। वर्ल्ड वॉर के दौरान पेंजर 8 मॉस के इस्तेमाल ने जंग को हिटलर के फेवर में कर दिया था। युद्ध के मैदान में पेंजर को देखने वाले इसे किसी मॉन्स्टर से कम नहीं समझते थे, जिसकी लंबाई 33 फीट और ऊंचाई 12 फीट थी। दोस्तों, इसमें 128 मिलीमीटर की एक गन भी लगी हुई थी, जो अपनी जगह से 3 किलोमीटर तक मौजूद किसी भी लड़ाकू वाहन को मारने में सक्षम थी। इसके अलावा पेंजर 8 को ऐसे डिजाइन किया गया था जिससे इसे कोई भी नुकसान ना पहुंचाया जा सके, और ये किसी भी हमले को झेलकर आगे बढ़ते रहे, जिससे इसे हराना लगभग नामुमकिन हो गया था। दोस्तों, इस मॉन्स्टर की बस एक ही कमजोरी थी, और वो थी इसकी स्पीड। दोस्तों, ये सिर्फ 20 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल सकती थी, और ये स्पीड इसकी टेस्टिंग के टाइम पे थी। एक्चुअल में तो ये 12 से 15 किलोमीटर की स्पीड से चलती थी। कैटरपिलर 797 सीरीज। दोस्तों, दुनिया भर की खदान और कंस्ट्रक्शन फील्ड से अपने माल को ले जाने के लिए बड़े बड़े ट्रक की जरूरत होती है, और इनकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए कैटरपिलर 797 सीरीज का निर्माण किया गया था, जो कि माइंस और कंस्ट्रक्शन एरिया से 350 टन से ज्यादा माल लेकर जा सकता है, और वो भी सिर्फ एक बार में, और इसी वजह से ये दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक ट्रक में से एक है। इसको इतनी ताकत इसमें लगे 24 सिलेंडर के डीजल इंजन से मिलती है, जो कि 550 हॉर्स पावर की ताकत जनरेट करता है। ये ट्रक काफी इम्प्रेसिव है, पर इसको इसके अगले जनरेशन कैटरपिलर 797F ने 2009 में पीछे कर दिया था, जिसकी क्षमता 363 टन तक के माल को एक बार में ले जाने की है, और इसकी स्पीड भी पहले के मॉडल के मुकाबले ज्यादा है। ये ट्रक 62 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलाया जा सकता है, और इसको इतनी पावर इसमें लगे 20 सिलेंडर इंजन से मिलती है, जो कि 4000 हॉर्स पावर तक की पावर जनरेट करता है। बरखा। दोस्तों, इसके नाम से इसके बारे में कुछ नहीं पता चलता, पर ये एक केचुए की तरह जमीन में घुसकर होल करते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। इसका इस्तेमाल अंडरग्राउंड टनल को बनाने में किया जाता है। इस मशीन का निर्माण 2013 में किया गया था। दोस्तों, ये मशीन 41 टुकड़ों में होती है, और हर एक हिस्से का वजन 900 टन से भी ज्यादा होता है, जिससे इसका कुल वजन 45,000 टन हो जाता है। दोस्तों, इसकी हेल्प से 9,270 फीट लंबी अलास्कन वे टनल का निर्माण किया गया था। लगभग हर 1,000 फीट की खुदाई के बाद ये ओवरहीट हो जाती है, जिस वजह से इसको रोकना पड़ जाता है, और इसके ठंडे होने का इंतजार करना पड़ता है, जिससे काम काफी स्लो हो जाता है। फिर भी ये दुनिया भर के दूसरे तरीकों से काफी तेज है। एंटोनोव AN-225। दोस्तों, वैसे कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट जिसे मिलिट्री व्हीकल्स को ले जाने के लिए बनाया जाता है,
लेकिन रशिया देश ने इससे भी कुछ ज्यादा बड़ा जहाज बनाकर इस्तेमाल हुई स्पेस शिप को अपने ऊपर रखकर उड़ने के काबिल बना दिया, जिसका नाम एंटोनोव AN-225 है। इसे कोसाक के नाम से भी जाना जाता है और इस जहाज को 1998 में पहली बार दुनिया के सामने पेश किया गया था। ये उस समय दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट था और आज भी है। इसके विंग्स का साइज 88 मीटर था, जिसमें 6 टर्बो फैन इंजन लगे हुए थे। दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट 700 टन तक का कार्गो ले जा सकता है। शुरुआत में इसे सिर्फ मिलिट्री व्हीकल्स को ले जाने के लिए बनाया गया था, पर अब ये रिटायर होने के बाद कमर्शियल कार्गो के लिए भी यूज होता है। एयरक्राफ्ट ROC। दोस्तों, हमारे इस एयरक्राफ्ट का निकनेम रॉक है और इसके इस नाम के पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मान्यता अनुसार एक ऐसा पक्षी जो किसी हाथी को लेकर उड़ सकता है, उसे रॉक कहते हैं और उसी के नाम पर इस जहाज का नाम भी रॉक पड़ गया। और अपने इस नाम को ये एयरक्राफ्ट अपने काम से सिद्ध भी करता है। दोस्तों, इस धरती से 35,000 फीट ऊपर किसी रॉकेट को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के समय 625 टन तक का पेलोड हैंडल कर सकता है और इस जहाज में 6 इंजन होते हैं जो इसे इस काम को करने में मदद करते हैं। दोस्तों, इसे टेक ऑफ करने के लिए नॉर्मल रनवे से अलग स्पेशल रनवे की जरूरत होती है, क्योंकि इसे टेक ऑफ करने के लिए 12,000 फीट के रनवे की जरूरत होती है। TI क्लास सुपर टैंकर। दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई बड़ी चीज है, क्योंकि सुपर टैंकर होने के लिए सुपर साइज भी होना चाहिए। TI क्लास के टैंकर ने सभी टैंकर कंपनियों के लिए सुपर साइज शिप के नए लेवल को सेट कर दिया था। इस TI क्लास के दुनिया भर में सिर्फ 4 ही जहाज हैं, TI अफ्रीका, TI एशिया, TI यूरोप और TI ओसेनिया। दोस्तों, इनमें से हर एक शिप का वजन 4.5 लाख टन है, जो इसे दुनिया के लार्जेस्ट ऑपरेटिंग शिप में से एक बनाता है। इनकी रफ्तार की बात करें तो इनकी रफ्तार 16.5 से 17.5 नॉट है, जो लगभग 30 किलोमीटर पर आर की होती है। वैसे ये सुनने में काफी कम लग रही होगी, पर ये समुद्र में चलने के हिसाब से और इनके साइज के हिसाब से काफी है। सी वाइज जाइंट। दोस्तों, TI क्लास के सुपर टैंकर सुपर होते हुए भी दुनिया में सबसे बड़े शिप नहीं है, क्योंकि ये खिताब तो सी वाइज जाइंट के पास मौजूद है। ये दुनिया के सबसे बड़े शिप में से एक है, जिसका वजन दुनिया के किसी भी शिप से ज्यादा है। इसका वजन 5.1 लाख टन है। अपने इस साइज की वजह से इसके इंग्लिश चैनल, स्वेज और पनामा कैनाल में जाना सख्ती से मना है। ये अपने माल को उतारने और चढ़ाने के लिए 81 फीट से कम गहरे समुद्र में नहीं जाता, जिस वजह से इसे वहीं पर खाली कर दिया जाता है और फिर वहां से छोटे जहाज आगे का काम करते हैं। डबल साइडेड फ्यूल टैंक। दोस्तों, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे बड़े से वाहन को देख रहे हो, असल में ये एक फ्यूल टैंकर है, यानी इसमें पेट्रोल, डीजल जैसे पदार्थों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, इस ट्रक को 3 देशों ने मिलकर बनवाया था, ताकि ईरान से पेट्रोल कम से कम लागत में अपने देशों में लाया जा सके। हमारे देश इंडिया, बेल्जियम और कोचाबाम्बा ने मिलकर ये डिसीजन लिया था कि हमें एक बड़ा सा टैंकर बनवाना चाहिए, जिससे कम लागत में ज्यादा से ज्यादा फ्यूल लाया जा सके, और तभी इस डबल साइडेड फ्यूल टैंकर का निर्माण किया गया था। बिग बाइक। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल है, जिसे बिग बाइक के नाम से जाना जाता है, और ये नाम टेक्निकली सही भी है। दोस्तों, इस बाइक को बनाने वाले फैबियो रेसियानी को साल 2012 में दुनिया की सबसे बड़ी राइडेबल बाइक बनाने के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दिया गया था। ये बाइक 16 फीट 8 इंच लंबी है और इसका वजन 5.5 टन है, जिसमें 280 हॉर्स पावर की ताकत है। और अगर इसका कंपेयर नॉर्मल हार्ली डेविडसन से करें तो उसमें 70 से 80 हॉर्स पावर ही होती है। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी बाइक को चलाने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। इस बाइक पे बैठने वाले को ऐसा लगता है जैसे वो कोई किसी बड़े डायनासोर की सवारी कर रहा हो। दोस्तों, इसको चलाने वाला ड्राइवर अपनी सीट से 100 मीटर की दूरी को नेविगेट कर सकता है, जिससे इस बाइक को चलाने में मदद मिलती है। दोस्तों, इसके इतने बड़े और भारी होने की वजह से इसके पहियों के पास सेकेंडरी व्हील्स लगे हुए हैं, जो इसे रोकने और खड़ी करने में मदद करते हैं। और दोस्तों, मजे की बात तो ये है कि इस बाइक को फैबियो रेसियानी ने सिर्फ मजे करने के लिए बनाया था। डॉज पावर वैगन। दोस्तों, अगर आप अपने आसपास किसी भी ट्रक को सबसे बड़ा मानते हो, तो फिर आपको इस ट्रक के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक है, जिसे दुबई के टॉप बिलियनर्स में से एक शेख हमाद के लिए बनाया गया था। दोस्तों, इस ट्रक के टायर के सामने कोई भी एवरेज साइज का आदमी बौना लगता है, जिसकी ऊंचाई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि ये किसी भी आम पावर ट्रक से 7 से 8 गुना बड़ा होता है।
दोस्तों इस ट्रक का वजन 50 टन होता है जो किसी भी आम ट्रक से बहुत ज्यादा है। शेख हमाद ने तो इसमें पूरा घर बनवाया हुआ है जिसमें 4 बेडरूम, 1 बाथरूम, 1 किचन के साथ साथ एक लिविंग एरिया भी मौजूद है और इसके इंजन तक पहुंचने के लिए इसमें सीढ़ियां भी बनाई गई हैं जिनकी हेल्प से इंजन तक पहुंचा जा सकता है। दोस्तों इसको ऐसे डिजाइन किया गया है जिससे इसको वहां की रोड पर चलने का परमिट मिल गया है। दोस्तों अब आप हमें कमेंट करके बताओ कि इनमें से आपको कौन सा व्हीकल पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे दोनों चैनल अननोन टेक हिंदी और अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धांसू वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।